हे दोस्तों, आप कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मैं रोजाना की तरह आज भी आपके लिए नया वीडियो ला चुका हूँ। इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही अच्छा न्यू सेटअप लाया हूँ, जो कि अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। ये जो सेटअप है, हम MIUI का थीम्स का इस्तेमाल करके बनाएंगे, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन अबाउट न्यू वीडियोस। फॉलो मी ऑन फेसबुक एंड ट्विटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए दोस्तों, हम अपने मोबाइल के होम स्क्रीन में आ चुके हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ आपको कौन कौन से थीम डाउनलोड करना होगा, जो कि आपने स्टार्टिंग में सेटअप देखा वही सेटअप करेंगे। चलिए मैं अपना थीम स्टोर ओपन करता हूँ और पहले थीम का नाम दिखा दूँ, जो कि आप देख सकते हो ये थीम है। आपको इसको डाउनलोड करके आपको इस थीम का सिस्टम लगाना होगा। लगाने के बाद चलिए अपने दूसरे थीम की ओर चलते हैं, जो कि आपको डाउनलोड करना है। इसका थीम का नाम देख सकते हो, इसका नाम है डेविल लाइफ। आपको इस थीम को डाउनलोड कर लेना होगा और आपको इसका लॉक स्क्रीन अप्लाई करना होगा। देख सकते हो मैंने लॉक स्क्रीन अप्लाई कर दिया हूँ। आप तीसरे थीम की ओर चलें तो इसका नाम है एलिगेंट कार। आपको इस थीम को डाउनलोड करना है और आपको इसका होम स्क्रीन अप्लाई कर देना है। इसके बाद अपना लास्ट थीम का नाम आप देख सकते हो, इसका नाम है शिवा शंकरा। आपको इस थीम को डाउनलोड करना और इसका आइकन पैक आपको सिंपल सा लगा देना। आपको ये चार थीम डाउनलोड करके आपको यूज़ कर लेना, जो मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया हूँ। उसके बाद चलिए अपने होम स्क्रीन में चलते हैं और अप्लाई करने के बाद देखते हैं क्या क्या चेंजेस हुआ है। देख सकते हो आपका क्लॉक विजेट पूरा चेंज हो चुका है और आपका जो आइकन पैक होता है वो भी चेंज हो चुका है। चलिए दोस्तों, मैं आपको अब वॉलपेपर दिखाता हूँ, जो कि आपको डाउनलोड करना है, जो कि मैं नीचे लिंक प्रोवाइड कर दूँगा। अब जाके सिंपल से डाउनलोड कर लेना होगा। चलिए मैं आपको उसका वॉलपेपर दिखाता हूँ। आप देख सकते हो आपको इस वॉलपेपर को डाउनलोड करना है, जो कि मैंने इसको खुद डिज़ाइन किया, थोड़ा कस्टमाइज़ किया हूँ। आपको सिंपल सा इसको डाउनलोड करके सिंपल सा लगा सकते हो, या थोड़ा बहुत एडजस्ट करना होगा। देख सकते हो थोड़ा एडजस्ट करके हम लगाएंगे। चलिए मैं थोड़ा एडजस्ट करता हूँ इस वॉलपेपर को और लगाता हूँ। और लगाने के बाद चलिए अपने होम स्क्रीन में आने के बाद आपको जो विजिट होगा, क्लॉक विजिट, उसको नीचे ला देना होगा। लाने के बाद जो आपका गूगल का विजिट होगा, उसको अपने होम स्क्रीन से हटा देना होगा। हटाने के बाद देख सकते हैं आपको दोबारा आना होगा, आपको दोबारा सिंपल सा इसको एडजस्ट करके लगाना होगा। देख सकते हो मैंने एडजस्ट कर लिया हूँ क्लॉक विजिट। देख सकते हो आपको ऐसे कुछ एडजस्ट करना होगा इस वॉलपेपर को। एडजस्ट करने के बाद देख सकते हो सिंपल सा मैं दोबारा लगा देता हूँ, आपको दोबारा लगा सकते हो। तो आपको एडजस्ट करके लगाना होगा। लगाने के बाद आपको होम स्क्रीन कुछ ऐसा दिखेगा। सबसे पहले आपको जो फालतू ऐप होंगे उसको अपने होम स्क्रीन से हटा देना होगा। जो आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हो उसको अपने होम स्क्रीन में ला देना होगा। देख सकते हो कुछ ऐसे लाने के बाद कुछ ऐसे आपको एडजस्ट कर लेना होगा। और जो आपका गूगल का विजिट होगा उसको भी हटा देना। आपको सिर्फ इतना ही करना था। आप देख सकते हो आपका होम स्क्रीन का सेटअप हो चुका है, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा यूनिक और डेविल टाइप का लग रहा है, जो कि आपको पसंद आएगा। जो आपका दूसरा पेज है, आपको इसको भी कस्टमाइज़ करना चाहे तो कर सकते हो, एप्लीकेशन को थोड़ा एडजस्ट करके कर सकते हो। दोस्तों चलिए मैं आपको इस सेटअप का प्रीव्यू दे देता हूँ कि आपको इस सेटअप में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। आपके कंट्रोल पैनल, लॉक स्क्रीन और फ़ोन की सेटिंग देख सकते हो। सबसे पहले इसका कंट्रोल पैनल देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा यूनिक में दिया गया है, जो कि इस सेटअप के साथ मैचिंग खाता है और आपको ज़रूर पसंद आएगा। और सेटिंग्स की बात करें तो सेटिंग्स में भी आपको बहुत सारे चेंजेस देखने को मिल जाता है, जो कि आप देख सकते हो। चलिए मैं आपको इसका लॉक स्क्रीन दिखाता हूँ, जो कि हमने लॉक स्क्रीन के लिए अलग वॉलपेपर डाउनलोड किया था, जो कि बहुत ही कमाल का लॉक स्क्रीन है। दोस्तों आपको बता दें, मैं आपको एक और लॉक स्क्रीन का थीम दूंगा, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले आप इस लॉक स्क्रीन को देख लीजिएगा, जो कि बहुत ही देख सकते हो लाइव एनिमेशन मिलता है, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। जब भी आप इस लॉक स्क्रीन को देखोगे तो आपको अच्छा लगेगा सेटअप के साथ। आपको एक बार जरूर इस सेटअप को ट्राई करना चाहिए अपने फ़ोन में। आपको बता दें मैं आपको एक और थीम देने वाला हूं, जो कि आप लॉक स्क्रीन में चाहे तो उसको भी यूज़ कर सकते हो। दोस्तों उससे पहले, अगर आपको ये वीडियो अभी पसंद आ रहा है, आपको सेटअप अच्छा लगा है, तो हमारे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और ऐसे सेटअप के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और तीसरे थीम की बात करें तो जो लास्ट थीम था, आपको इसको डाउनलोड करना होगा, जिसका नाम है रेड सन। आपको सिंपल सा इसको डाउनलोड करके आपको लॉक स्क्रीन लगा देना होगा। लगाने के बाद चलिए आपको इसका लॉक स्क्रीन दिखाता हूँ, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा यूनिक लगता है, जो कि आपने बहुत सारे थीम में देखने को नहीं मिला होगा ये वाला लॉक स्क्रीन। और दोस्तों एक बात बता दूँ, जितने भी डाउनलोड करने की चीज़ें मैं सारे नीचे लिंक प्रोवाइड कर दूँगा। आप सिंपल सा मेरी वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर सकते हो। और हमारा टेलीग्राम का चैनल है, मैं उसका नीचे लिंक प्रोवाइड कर दूँगा। आप सिंपल